ओम नमामि धन्वंतरिम आदिदेवं सुरासुरै वंदित पादपद्मं लोके जरारुभयं मृत्युनाशं पातारनीशं विविध औषधीनां ओम शांति 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 ओम। एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज द वॉइस ऑफ सोल। आज है 26th of February सैटरडे और मेरी सुबह का आगाज अच्छाई के साथ हुआ है। पढ़ रही थी तो बस मैंने चाय बना ली थी और आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि आज से ठीक 1 month पहले 26th of January को मैंने अपना पहला व्लॉग डाला था। आज पूरे 1 महीने हो गए, 30 vlog and 30 days। सो बस एक अलग सी ही फीलिंग है, एक अजीब सी खुशी है। मैं अपने छोटे छोटे एफर्ट्स से अगर किसी की हेल्प कर पा रही हूँ, स्पेशली यंगस्टर्स की, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए आज का अपना स्पेशल डे स्पेंड करते हैं और चलते हैं अपने कॉलेज के लिए। एंड नाउ वी आर बैक फ्रॉम द कॉलेज। वो कहते हैं ना कि कभी कभार का दिन थोड़ा उथल पुथल वाला हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ और मैं कॉलेज में भी इसीलिए कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और आ करके भी इतनी तेज भूख लग गई थी ना कि हम लोग बस चाय नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे, उसके बाद में बैठी हूँ शूट करने के लिए आज अपने कडलू को लेके। इसको क्यों बिठा रखा है इसका भी एक रीज़न है, मुझे आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है जो कि आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलेगी। तो चलिए फिलहाल आज का टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बात कर लेते हैं अपने टिप ऑफ द डे के बारे में। और जैसा कि मैं अपनी कोविड सीरीज़ को कॉन्टिन्यू कर रही थी तो सबसे पहले ब्लॉग में मैंने बताया था कि आयुर्वेदा कैसे इवॉल्व हुआ कोरोना काल। दूसरे ब्लॉग में मैंने ये बताया था कि बेसिक आयुर्वेदिक हर्ब्स क्या क्या चली थी जिनका यूज़ हुआ था। और तीसरे और आज के ब्लॉग में हम ये बात करेंगे कि कोरोना काल में लोगों को 3 मेन दिक्कतें क्या क्या आई थी। आपने पिछले 2 व्लॉग्स अगर नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगी, आप प्लीज़ जाएँ और देखें जिससे आपको हेल्प मिल सकेगी। और आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए हम ये बात करते हैं कि लोगों को क्या दिक्कत आई थी। सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों ने ये फेस की थी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी लोगों को और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्राइसिस हो गई थी और मतलब बड़ा ही पैथेटिक कंडीशन था वो। और इस हालत में फॉर अ बिगिनर, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग्स में ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ जिससे आप लोगों को घर पे रहते हेल्प मिल सके आप और बेसिक जानकारी आप लोग ले पाएं, तो उस कंडीशन में क्या किया गया था किसी, हम इसे अपनी मेडिकल टर्म में डिस्निया का नाम देते हैं, सांस की दिक्कत। जो सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ऑक्सीजन, मतलब थोड़े टाइम के लिए मैनेज करने के लिए अगर अरेंज नहीं हो पा रहा है या आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं किन्हीं भी कारणों से, तो थोड़ी देर के लिए जिनको भी ऐसी दिक्कत हो रही है ना उनको ऐसे पेट के बल लिटा दें और ऐसे उनके चेस्ट के पास एक कुशन लगा दें। ऐसे कुशन लगा देने से आपके चेस्ट को सपोर्ट मिलेगा और आपका बैक जो है वो हल्का सा एलिवेट होगा। ऐसा करने से एक प्रॉपर एयर वे बनेगा और आपको सांस लेने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो ये हो गई पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो लोगों ने फेस की थी। इसकी एक बेसिक रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की थी। सीवियर कंडीशन में तो ऑब्वियसली जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल और ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना ही चाहिए। और एक चीज़ का आप लोग और ध्यान रखें, अगर लोगों को कभी भी ऐसी दिक्कत हो रही हो ना तो प्लीज़ आप उनके पास भीड़ ना जमा करें। उनको जितनी ज़्यादा लोग रहें उनके पास, लेकिन इस तरीके से रहें कि उनके आसपास खुली हवा आ जा सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों ने फेस की थी ना वो थी खांसी, कफ और गले में दर्द। तो इसके लिए सबसे पहला जो प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था वो था सेलाइन वाटर गागल, यानी कि गर्म पानी में नमक डाल के उसके गरारे। सॉल्ट, हमारा नॉर्मल सॉल्ट जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल दोनों होता है। इससे जो यहाँ कहते हैं ना जो टॉन्सिल बढ़ जाती है, आम भाषा में जो बोलते हैं, ये बढ़ी हुई टॉन्सिल को कम करने और वहाँ बैठे हुए बैक्टीरियाज को मार के आपकी बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज़,
एक मल्टी हर्ब आयुर्वेदिक प्रिपरेशन सीतोपलादी चूर्ण। इसमें ना तुलसी, मुलेठी एक्सेट्रा जो भी ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं उनको यूज़ करके उनका एक पाउडर फॉर्म बनाया गया था, जिसे इधर शहद और देसी घी दोनों में से किसी भी एक चीज़ में मिक्स करके एक एक चम्मच ऐसे लेने को बोला गया था, फॉलोड बाई ल्यूकवॉर्म वाटर। तो इससे भी जो भी कॉन्जेशन वगैरह थे उसको क्लियर करने में हेल्प मिल रही थी एंड खांसी कम हो रही थी। और अभी भी आपको किसी भी वायरल इन्फेक्शन के कारण ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो आप सेफली सलाइन वाटर गार्गल या सीतोपलादी चूर्ण दोनों का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ लोग शहद से एलर्जिक होते हैं तो वो देसी घी सेफली यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक मैं बेसिक होम रेमेडी सजेस्ट करूँगी जो कि मैंने अपनी नानी दादी से सीखी थी। प्याज हर किसी के घर में होता है, प्याज का रस निकाल के उसे हल्का गुनगुना करके उसे पीने से भी खांसी में आराम होता है, खांसी में भी आराम होता है। और ये जो चेस्ट कॉन्जेशन जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही थी ना, ये चेस्ट कॉन्जेशन भी क्लियर होता है उससे। प्याज में बेसिक सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कि जो भी कफ वगैरह फंसे हुए होते हैं उनको प्रोपेल करते हैं और बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो ये तीन बेसिक चीज़ें हो गई जिससे कि खांसी और चेस्ट कॉन्जेशन को मैनेज किया गया था। तीसरी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि लोगों को थकान और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसे हम अपनी मेडिकल भाषा में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बोल रहे थे। तो अब थकान ऑब्वियस सी बात है कि हम अपनी लाइफस्टाइल और खान पान के थ्रू ही मैनेज कर सकते हैं। पेन के लिए तो एक पल के लिए मेडिसिन दी जा सकती है, लेकिन इट्स फॉर अ टाइम बीइंग। अगर परमानेंटली इस चीज़ का ध्यान रखना है तो उसके लिए ऑब्वियसली डाइट के लिए काढ़ा, हल्दी वाला दूध, दोनों चीज़ की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं वो व्लॉग्स तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप जाएं और देखें और उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तीसरी चीज़, कोई भी फास्ट एंड फैटी फूड्स अवॉइड करके एक बैलेंस डाइट लेना मैं फिर से बोलूँगी। और जिनको भी जिस चीज़ से एलर्जी है वो सारी चीज़ें अवॉइड करके प्रॉपर अमाउंट में वाटर और जूस ये सब का इंटेक करना, कि बॉडी जितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड होगी ना उतनी ज़्यादा थकान कम महसूस होगी। तो इन ये तीन बेसिक कॉम्प्लिकेशंस थी जो कि कोरोना काल में लोगों ने फेस की थी और इन सिंपल मेजर्स के थ्रू उन्हें मैनेज किया गया था। दो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई थी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वाले लोगों के साथ, जो कि हमारा अगला टिप ऑफ द डे होने वाला है, कि कोरोना काल में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को किन बेसिक मेजर्स के थ्रू मैनेज किया गया था। ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको सारी बेसिक कॉम्प्लिकेशंस भी समझ आई होंगी और उनकी बेसिक रेमेडीज भी शेयर करने से आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में हेल्प मिलेगी। और हाँ, आज जैसा कि मैंने सुबह कहा था कि आज मेरी व्लॉगिंग को पूरे 1 मंथ हो गए हैं। आसान नहीं था मेरे लिए यहाँ तक पहुँचना बिना आप सभी के, इसलिए सबसे पहले मेरे मम्मा पापा, मेरी फैमिली, मेरे सारे फ्रेंड्स, सबकी फैमिलीज और मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें ताकि मैं और भी आगे बढ़ सकूँ। चलिए अब इन्हीं बातों के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक शेयर तो ज़रूर करें। आपके एक शेयर से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। और अपनी क्वेरीज और सजेशंस मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही अपने नेक्स्ट व्लॉग में अपनी अगली टिप के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल राज द वॉइस ऑफ सोल।